हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स माही। आज बटर नान और बटर पनीर बनाने जा रही हूँ विथ मसाला। इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का लंच बहुत ही शानदार और ज़ायकेदार रहेगा। इसके लिए 1/2 kg पनीर ले लिया है मैंने, काजू 250 grams, 2 onions, सूखी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, बादशाह मसाला, हल्दी, मिर्च, नमक, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तीन से चार टमाटर की प्यूरी बना लेंगे, प्याज को काट के तल के उसका भी पेस्ट बना लेंगे। पनीर को छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स कट कर लेंगे। पनीर स्पॉन्जी और स्मूथ रहने के लिए एक टिप बता रही हूँ, इसको हम लोग गर्म पानी कर लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के ये जो पनीर कट कर लिया है उसमें डाल लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी और स्मूथ रहता पनीर, मेल्ट नहीं हो जाता। ये सबके लिए टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये टिप पसंद आए तो, ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये पनीर बटर रेसिपी। टमाटर को थोड़ा ऑयल डाल के थोड़ा तल के पेस्ट बना लेंगे। अब बटर ऐड कर लेंगे एक पैन में। बटर मेल्ट होने के बाद जो ऑनियन का पेस्ट था वो डाल लेंगे, खड़े साबित मसाले डाल लेंगे, तेज़पत्ता, कवाक चीनी, साबित गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च डाल लेंगे। जो प्याज का पेस्ट करके रख लिया था वो ऐड कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है 1 spoon, हल्दी 1 spoon, मिर्ची 1 spoon ऐड कर लेंगे, नमक डालेंगे एज पर टेस्ट, बादशाह मसाला, टमाटो प्यूरी को ऐड कर लेंगे, ऐड करके थोड़ा सा करीब आने तक भून लेंगे। दही भी ऐड कर लेंगे इसमें, 200 grams दही ले लिया है मैंने, काजू का पेस्ट पाउडर बना के रख लिया है, पेस्ट भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। काजू का पेस्ट ऐड कर लेंगे, दही ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे। गरम मसाले का पाउडर ऐड कर लिया है,
अब जो पनीर को गर्म पानी में डाला था वो पनीर निकाल के डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करके जो प्यूरी बना के रख लिया है उसमें छोड़ देंगे हम लोग पनीर को। थोड़ा पानी ऐड करके 2 मिनट पका लेंगे। फिर लास्ट में भी थोड़ा बटर ऐड कर ले सकते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी है पनीर। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ। डीप फ्राई कर लेके उसमें क्यूब्स छोड़ लेंगे पनीर के। बटर पनीर मसाले के साथ बटर नान बना लिया है। बहुत ही जायकेदार लंच है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्यूब्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी जो प्यूरी तैयार करके रख लिया था, रेडी करके रख लिया था, उसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट पका लेंगे। बटर पनीर मसाला रेडी हो चुका है हमारा। ऑप्शनल है, बटर ऐड कर सकते हैं या ऑप्शनल आपकी पसंद है तो ऐड कर लीजिए। गर्मा गर्म बटर नान रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म बटर पनीर और बटर नान रेडी हो चुके हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। सॉफ्ट नान और बटर पनीर बटर नान के साथ आज का लंच। एंजॉय करिएगा। फिर वीडियो से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।